बिदर से राहुल का खुला चैलेंज, अगर 56 इंच की छाती हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करें पीएम। चुनाव की नजदीकियों के चलते तमाम पार्टियां जनता को रिझाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार करने में जी जान से जुटी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले कर्नाटक के बिदर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के किसानों का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नाले में पाइप लगाओ और ढाबे पर पकौड़े बनाओ, यह है नरेंद्र मोदी जी की युवाओं को रोजगार देने की रणनीति। राहुल ने कहा है कि कांग्रेस के समर्थन वाली कर्नाटक सरकार ने किसानों का 50% ऋण माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि बाकी का 50% ऋण केंद्र की तरफ से माफ किया जाए। अगर पीएम के पास 56 इंच की छाती है तो ऋण माफ करके दिखाएं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि पीएम मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे देश में किसान आत्महत्या करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने यहां भी राफेल मुद्दे को उछलते हुए कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश से झूठ बोला कि राफेल सौदा एक समझौते के अंतर्गत आता है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि राफेल हवाई जहाज का दाम सीक्रेट पैक्ट में नहीं आता है, यदि हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो वो दाम बता सकती है। राहुल ने आरोप लगते हुए कहा कि चौकीदार अब भागीदार है, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा चोरी करके अनिल अंबानी को दिया है। प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी थे, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से रोजगार छीनकर अनिल अंबानी को दिया। कुछ दिन पहले बिदर के कार्यक्रम के पश्चात राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।